नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज आपको फिर से मैं नवरात्रि का अष्टमी का अभिनंदन देना चाहता हूँ। और आज मैं आपको जो न्यूज़ देने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये जो है ये मतलब आप सुनेंगे तो झूम उठेंगे, क्योंकि ये मैं आपको देने वाला हूँ सैमसंग का नया जो एक स्मार्टफोन टीन में दिखा है। तो ये है सैमसंग का W2019। ये दो स्क्रीन वाला स्मार्टफोन होने वाला है। तो ये कैसा है और इसका जो कुछ स्पेसिफिकेशंस लीक हुआ है तो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये 4.2 इंच स्क्रीन के साथ आएगा और 3000 बैटरी के साथ आएगा। तो यहाँ एक देखिए पोस्टर निकाला गया है। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ जो बताया जा रहा है W2019 के जैसे मतलब इसमें क्या क्या होगा। तो ये जो है सैमसंग का अपकमिंग फ़ोन होने वाला है, ये फ्लिप फ़ोन होने वाला है। ठीक है, फ्लिप मतलब आपको समझ में आ गया होगा क्या, पहले पहले जो फ्लिप फ़ोन आता था तो उसके जैसा ही ये फ़ोन आने वाला है, लेकिन इसमें दो डिस्प्ले होगा। ठीक है, दो स्क्रीन होगा। तो ये 4.2 इंच का दो सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा। दो आपको मैं ये क्लियरली बता देता हूँ, दो एमोलेड स्क्रीन होगा। ठीक है, तो ये इसमें और 3000 mAh का बैटरी भी होगा। तो यहाँ जो पोस्टर निकल गया है इसको आप पॉज करके भी पढ़ सकते हो और मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ चाइनीज़ में ऊपर कुछ टाइटल में लिखा हुआ है, इसको तो समझ में नहीं आया, लेकिन उसके बाद जो बताया जा रहा है वो कुछ समझ में आया तो आपको मैं बता देता हूँ। ये जो फ़ोन का मॉडल है ये SM W2019 के नाम से यहाँ दिया गया है। तो पास में मोबाइल फ़ोन भी लिखा गया है। तो इसका जो डिवाइस नेम है TDLT डिजिटल मोबाइल फ़ोन ऐसे बताया गया है। तो नेम इसका अभी तक ठीक नहीं हुआ, मॉडल नाम ठीक हो गया तो अब मॉडल नाम आपको बता दिया। ठीक है, परमिट नंबर और डेट ऑफ इशू, यहाँ डेट ऑफ इशू भी दिया गया है, आप देख सकते हो। और यहाँ कुछ छोटा छोटा बताया गया है तो बता देता हूँ। यहाँ GSM स्टैंडर्ड इस डिवाइस डुअल कार्ड डुअल स्टैंडर्ड मतलब डुअल सिम भी होने वाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड भी होने वाला है। ठीक है, और यहाँ जो पैरामीटर इन्फो दिया गया है तो इसको मैं बता देता हूँ। नंबर ऑफ स्क्रीन्स यहाँ देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि दो दिया गया है। और यहाँ डायमेंशन भी दिया गया है, डायमेंशन भी आप देख सकते हो। ये आप जब मतलब फ्लिप करोगे तभी इसका जो डायमेंशन है वही दिया गया है। तो 4.2 इंच डिस्प्ले के हिसाब से ही मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ जो बताया गया है आपको मैं बता दिया कि 3000 mAh का बैटरी भी होने वाला है, डुअल का स्टैंड बाई है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड है और ब्लूटूथ और ये सब GPS कुछ भी दिया गया है स्टैंड बाई में, मतलब ये सब है। तो यहाँ जो है Note 9 में जो S9 Plus में जो स्नैपड्रैगन का 845 और एक्जीनोस का 9810 जो दिया गया है वही यहाँ दिया गया है। और मतलब चाइना में ही ये जो मतलब एक्जीनोस और स्नैपड्रैगन में से कोई एक चाइना में अवेलेबल होता है, तो वही चाइना में अभी जो लॉन्च मतलब ये तो टेस्टिंग हो रहा है तो इसीलिए एक दिखा है। ठीक है, तो इसका प्राइस जो एक्सपेक्टेड रखा गया है चाइनीज़ युआन में तो उसके हिसाब से 17,000 इसका हो सकता है इसका प्राइस। ठीक है, तो ये जो अगर ये अगर स्नैपड्रैगन का 845 के साथ आएगा तो ये काफ़ी अच्छा मतलब फ़ोन होने वाला है। ठीक है, तो ये तो मुझे लगता है कि Note 9 का जो मतलब चिपसेट है इसमें अगर लगेगा, मतलब जो स्नैपड्रैगन का 9810 है ये एकदम जो फ्लैगशिप मॉडल का स्मार्टफोन होता है, और फिर 845 भी जो है वो फ्लैगशिप लेवल का जो स्मार्टफोन होता है उसमें ही लगता है। तो आप मुझे जो लगता है कि ये फ्लैगशिप वाला मोबाइल फ़ोन ही होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें उस और कुछ तो बताया नहीं गया है, लेकिन अगर ये लॉन्च होगा या फिर कुछ भी इसका अनाउंस होगा तो मैं सबसे पहले बता दूंगा। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और पास का बेल आइकन को भी हिट कर देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास का बेल आइकन को भी हिट कर दें। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, एक और बार आपको मैं बता देता हूँ कि अभी नवरात्रि चल रहा है, नवरात्रि का बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। ठीक है, आप लोग खुश रहिए और नवरात्रि का आनंद लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।